कि आप अपना जो मेकअप लुक है उसका शेयर कराइए। तो आज मैं वही सोच किया कि आप लोगों को मेकअप लुक का शेयर। आइए तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मेकअप लुक, यानी कीरावती का मेकअप लुक। तो सबसे पहले तो यही जगह आप लोग देख लीजिए, आई थिंक मेरे पहले के वीडियोस में भी आप लोग देख ही होंगे ये जो मेरा मेकअप करने का जगह। तो यहाँ पे मैं मेकअप करती हूँ, ये मेरे पहले कॉस्मेटिक्स और ये मेरे स्क्रिप्ट जो कि सुबह आते ही मुझे रेडी मिलता है। तो जब हम इस सेट पे आए तो सभी आर्टिस्ट को अलग अलग रूम अलॉट किया गया। तो मैं भी जब इस रूम में आई तब एकदम खाली था, जो अगर आप लोग देख लेते जब हम शुरुआत में आए थे तो आप लोग को एकदम ही अलग दिखता। तो मुझे लगा कि ना इस रूम को सजाया जाए, तो मैं सोचने लगी मैं क्या करूँ, कैसे इसको क्यूट बनाया जाए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग सेट पे रह रहे हैं, मेकअप रूम हमारा नॉर्मल घर हो जाता है, मतलब आई थिंक मेकअप रूम में हम लोग ज़्यादा वक्त बिताते हैं। तो इसको एक घर वाला फीलिंग देने के लिए मुझे लगा कि इसको अच्छे से सजाना चाहिए। मैंने इसीलिए देखा, सबसे पहले आई थिंक ये वॉल मैंने सजाया था नॉट फॉर गैसी। तो ये आप देख सकते हैं इसमें सारे पॉजिटिविटी के ऊपर फ्रेम मैंने लगाया है। तो जो जो मेरे करियर और मेरे नेचर के साथ मैच होता है उस हिसाब से उसे आप देख सकते हैं, ये टिप्स के ऊपर है, ये पॉजिटिविटी के ऊपर है, और ये मतलब जो जो मैं सोचती हूँ वैसा वैसा मैंने ढूंढ के निकाला और एक टिप्स लगाई। ये आप देख सकते हैं ड्रीम कैचर बहुत ही कलरफुल है, तो मुझे लगा ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये मैंने अलग अलग ये जब मैंने किया था कि मुझे इसके बाद एक साथ ऐसे लगाने के लिए था, बट मुझे लगा क्यों मैं ऐसे पूरा लगा दूँ ऐसे सजा दूँ। तो अब ये बॉल आप देख सकते हैं, इसमें भी मैंने सेम कैसे लगाया है, जैसे पेंटिंग्स है और थोड़े हिस्टोरिकल एक टच दिया, ऐसा कुछ सोच के नहीं दिया, जस्ट लाइक दैट मैंने जब ऑनलाइन सर्च किया तो मुझे ये पेंटिंग काफ़ी अच्छे लगे, और इसके साथ लाइट के ऐसे ही कलर थोड़ा मैच कर दिया। ये शायद आप लोगों ने मेरे पिछले शो नगर के सेट पे भी देखा होगा, नगर के मेकअप रूम में भी देखा होगा, ये मुझे शिखर जी ने गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे। ये जो मेरा एरिया है आप देख सकते हैं, ये छोटा सा किचन आप बोल सकते हैं, इसमें अभी फ्रूट्स है और फिर आप देख सकते हैं मैं सब कुछ घर से लेके आती हूँ, खाना एवरीथिंग लंच भी मैं दिन भर खाती हूँ, सब मेरा घर से ही आता है। तो एक माइक्रो टेबल है और यू कैन सी ये ये सब घर से मैं ला के रखती हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट या फिर शाम का नाश्ता या जब भी कुछ खाना हो तो सारा कुछ किसी में रहता। तो अब आइए ये इस रूम का आखिरी एरिया जो कि बहुत ही क्यूट है, माय क्यूट सा बेड पूरा इसे मैं घर से ही सारा कुछ मैं लेके आई हूँ, बेडशीट से देंगे सारा कुछ, यू नो एक घर वाला बेडरूम वाला फील मैंने रखा है इसमें। इसमें भी मैंने ऐसे स्टिकर लगा दिया, ये बहुत ही काफ़ी खाली जा रहा था। एंड ये आप देख सकते हैं ये मेरे बुक्स भी मैं यहाँ रखी हुई हूँ, तो शुभ के बीच में काफ़ी टाइम फ्री टाइम मिलता है तो उस समय मैं बुक्स अपना रीड कर लेती हूँ, और ये भी थोड़ा, और ये आप देख सकते हैं दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक दैट, काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये लाइफ इज अ जर्नी एंजॉय द लाइफ क्योंकि सच है, तो मैंने इस दीवार पे ये लगा दिया। तो यहाँ आई थिंक आपसे हाँ ये भी एक लास्ट कॉर्नर है, यहाँ पे मैंने फ्रेम लगा के रखा है, दिस इज दी वॉशरूम। तो या तो यही है आई थिंक मैंने सारा कुछ कवर अप कर दिया है, मैं पूरा मेरा जो मेकअप रूम है उसका टूर आप लोगों को करा दिया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अब जितना मेरे से हो सका थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं फ्रेश पेंटिंग नहीं कर पा रही थी या फिर कुछ इंटीरियर डिज़ाइन तो नहीं कर सकती थी, तो ऊपर से जितना मेरे से पॉसिबल हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, एंड एज यूजुअल
अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.